अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम रिपेयर करेंगे एक मिक्सी की मोटर। इसमें साउंड जो है बहुत आ रहा था, देख सकते हैं ये बुश जो है घट चुका है। इसमें देख सकते हैं कितना हल रहा है। हम इस बुश को चेंज करेंगे पिन टू पॉइंट। दोस्तों आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहें। ये दोस्तों इस वीडियो का पहला पार्ट है। इस वीडियो में सिर्फ हम ये मोटर जो है रिपेयर करेंगे, उसके बाद इस मोटर को मिक्सी में फिट करेंगे दूसरे पार्ट में। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसके स्क्रू को खोल लिया है और देख सकते हैं ये यहाँ पे आपको मार्क करना ज़रूरी है, क्योंकि हम फिर से फिट करेंगे तो फिर से वहीं पे फिट करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों ये कैसे जो है घिस चुका है यहाँ पे। मैं सामने लेके आता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, देख सकते हैं इधर कितना जो है घिस चुका है यहाँ पे, देख सकते हैं। ये दोस्तों बुश घट जाने के वजह से जो है आर्मेचर जो है बहुत साउंड कर रहा था, इनकी मिक्सी में जो है बहुत शोर आ रहा था दोस्तों। इन्होंने रोक दिया जल्दी, नहीं तो ये गर्म हो जाता और मिक्सी जल जाती। ठीक है, यह जो है अंदर का कापर जो है पूरा जल जाता दोस्तों गर्म होने के वजह से। इन्होंने पहले ही हाफ कर दिया मिक्सी को। और दोस्तों यह फील्ड कॉयल, इसको भी थोड़ा जो है टाइट कर लेते हैं। भी दोस्तों ये देख सकते हैं एल्यूमिनियम की जो है इसमें रिविट लगी हुई है। हम इसमें जो है ड्रिल करके जो है इसको निकालेंगे। देख सकते हैं मैंने ड्रिल मशीन डाल लिया है, भी मैं ड्रिल करूंगा उसमें। दोस्तों ड्रिल करने से पहले सेंटर पंच से दोस्तों आपको निशान बनाना है, कि हम जहाँ पर चाहते हैं वहीं पर ड्रिल हो और कहीं पर भी ड्रिल ना आ जाए। इसे जो हल्के से टैप करना है आपको। एल्यूमिनियम की रिविट होती है दोस्तों, बहुत ही इजीली निकल जाती है। देख सकते हैं दोस्तों मैं इसको ईजिली निकाल चुका हूँ, देख सकते हैं। अभी जो हम पीछे से जो इसको टैप करेंगे, देख सकते हैं ये ईजिली निकल चुका है दोस्तों। इसको उंगलियों से खींचने की कोशिश ना करें, कटिंग कर लेंगे उसमें से खींच लेंगे, देख सकते हैं। जी दोस्तों जो हमने निकाला है, जो रिविट जो है हमारे अभी भी बची हुई है, उस पर जो है हम फिर से टैप करेंगे। देखेंगे कि स्किल मारने से जो निकल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम फिर से डिल करके उसको निकाल देंगे। कुछ दोस्तों बहुत टाइट होता है, निकल नहीं पाते वो, और जो है इससे एल्यूमिनियम का जो बॉडी है सिल्वर बॉडी ये टूट जाती है दोस्तों। तो जो है ज़्यादा ज़ोर जबरदस्त नहीं करनी है आपको, ड्रिल मशीन से ड्रिल करके जो है आसानी से निकाल लेना है। आप उसको ज़ोर से मारेंगे तो यहीं पे कट हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं अब यह इजी से निकल गया। जो है हम इसमें
जल्दी जल्दी जो है उसमें बुश जो है लगा लेते हैं दोस्तों, नया बुश देख सकते हैं। ये पुराना बुश जो है बहुत ही स्लैक है देख सकते हैं। इससे पहले दोस्तों हम शाफ्ट को जो है हैमर मारेंगे नया बुश लगा के देखने के लिए सैंड पेपर से दोस्तों अच्छे से सैंडिंग कर लेंगे ताकि इसमें से रस्ट जो है पूरा निकल जाए। देख सकते हैं दोस्तों कितना हिल रहा है वो बुश पुराना वाला। अब हम जो है नया बुश लेके आएंगे देख सकते हैं। ये पीतल का बुश है MSP कंपनी का देख सकते हैं दोस्तों। ये MSP कंपनी का बुश है आपको दिख रहा होगा वीडियो में। MSP कंपनी का बुश है दोस्तों। ये एकदम अच्छे से काम करता है दोस्तों। आपकी मिक्सी कम से कम 5 साल चले फिर भी जो है जल्दी घटता नहीं है दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों हमने इसको अच्छे से साफ कर लिया है। पहले इसको बुश को रखना है और उसके बाद बुश की पैकिंग मिलती है दोस्तों। देख सकते हैं बुश की पैकिंग है। ये सोना कंपनी की ये दोस्तों काटन की रिंग है। इसको रखना है आपको वो ऑयल डाल के इसको जो है अच्छे से भिगा देना है। ये दोस्तों बुश को हीट होने से बचाता है। इसमें ऑयल जो हम डालते हैं ये पूरा रिंग जो है ऑयल को पूरा सोख लेती है और बुश को जो है गर्म होने के लिए नहीं देती, इसलिए बुश जो है घटने से बच जाता है। जो है दोस्तों ये रिंग जो है आपको पहले लगानी है। कुछ लोग जो है उल्टा कर देते हैं, ये रिंग पहले लगा देते हैं और वो दूसरे उसके बाद लगाते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। ऐसे दोस्तों स्क्रू डाल के हम इसको अच्छे से कस लेंगे दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों हमने इसको अच्छे से कस लिया है दोस्तों। अभी इसका हम क्या करेंगे, ये वाइब्रेट होके जो है इसका स्क्रू जो है ढीला ना हो इसलिए हम इसको गम डाल देंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं ये अना बैंड का 122 थ्रेड लॉकर गम है। थ्रेड लॉकर इसमें लिखा हुआ है। इस थ्रेड लॉकर को हम डालेंगे दोस्तों। थोड़ा थोड़ा डाल लेंगे बस, सिर्फ एक एक टिप का डाल लेंगे और उसके बाद हम ऑयल कर लेंगे आर्मेचर को। ऑयल लगाने के बाद घुमा के देखेंगे अच्छे से फिर रहा है दोस्तों। उसके बाद जल्द से जल्द मिक्सी फिट कर लेंगे पूरी मोटर जो फिट करके मिक्सी में फिट करना है दोस्तों। दोस्तों आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा दोस्तों। दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने का मौका मिला हो तो अपने कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आपको हल्के हल्के से टैप करना है और इसको फिट करना है। देख सकते हैं मैंने इसको फिट कर लिया अच्छे से घूम रहा है। अभी इसको हम स्क्रू डाल के कस देंगे अच्छे से। मैंने अभी स्क्रू नहीं लगाया दोस्तों देख सकते हैं आप। अभी हम स्क्रू लगाएंगे इसको दोस्तों। स्क्रू को जो अच्छे से कसना है देख सकते हैं। मैंने निशान जहाँ पर लगाया था वहीं पर निशान की जगह हमने फिट किया है इसको। अलाइनमेंट चेंज नहीं होगा ऐसे करने से।
मिक्सी जो है एकदम पहले जैसे ही फिट हो जाएगी आपकी। दोस्तों इसको अच्छे से कस लेना है दोस्तों। देख सकते हैं अभी जो है हम इसको कार्बन ब्रश नहीं दोस्तों, उससे पहले जो है हम ये बाल्स जो है बाल्स लगाएंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर नट है, ऊपर इस नट को जो है निकाल लेंगे दोस्तों। ये आर्मेचर को एडजस्ट करने में काम आता है, जो हाइट होता है हाइट को ऊपर नीचे करने में काम आता है दोस्तों, इसलिए इसको लगाते हैं। इसको इस बाल्स को डालना दोस्तों ज़रूरी है, वरना आपकी मिक्सी जो है शोर करने लगेगी बहुत। और डालने के बाद दोस्तों देख सकते हैं आप आर्मेचर और कार्बन ब्रश की ओर जो है एकदम लेवल होना चाहिए दोस्तों, जिससे कि कार्बन ब्रश जो है आपको लेवल जो है ऐसे लग सके दोस्तों। देख सकते हैं उधर आर्मेचर और कार्बन ब्रश दोनों जो है लेवल होना चाहिए दोस्तों। अभी इसको हम टाइट कर लेंगे, एकदम अच्छे से हम इसको लॉक कर देंगे। देख सकते हैं आप एकदम लेवल है, सो उल्टा करने पर भी दोस्तों देख सकते हैं ऐसे लेवल होना चाहिए। इसके बाद देख सो ये कार्बन ब्रश है, इसकी जो अंदर जो तार है उस तार भी होना चाहिए, ये कार्बन ब्रश पूरा ऐसा होना चाहिए दोस्तों स्प्रिंग के साथ और कॉपर के वायर के साथ, वरना जो है कुछ लोग ऐसे डाल देते हैं स्प्रिंग होती है बस, उसमें कॉपर की तार नहीं रहती। कार्बन ब्रश घटने के बाद दोस्तों स्प्रिंग जो है आर्मेचर से लग जाती है, वो आर्मेचर को घिसने की वजह से आर्मेचर जो है जल्दी ख़राब हो जाता है। आपको ऐसा ही कार्बन ब्रश जो है डालना चाहिए। तो मैंने दोनों और लगा के कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी जो है दोस्तों अब हम मिक्सी इस मोटर को जो है भगा के चेक करेंगे, उसको रन करेंगे। ये येलो वाली मीडियम, येलो वाली जो है स्लो है, ब्लू वाली मीडियम है और ब्लैक जो है हाई स्पीड है। अलग अलग मिक्सी में दोस्तों अलग अलग जो है कलर की आती है दोस्तों, कुछ में येलो ग्रीन रेड आती है, कुछ में येलो ब्लैक और रेड आती है, रेड हाई स्पीड आती है। इसको आप निकालने से पहले चेक कर लें एक बार तो आपको स्पीड पता चलेगा, वरना जो है मिक्सी आप ऑन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा स्पीड में जो है कौन सी स्पीड ज़्यादा है कौन सी मीडियम है। दोस्तों मैंने सीरीज में चेक कर लिया है इसको, अब हम एसी 230 वोल्ट में इसको हम भगाएंगे रन करेंगे। एक साइड की मेन वायर पर जो मैंने इसको वायर डायरेक्ट लगा लिया है, एक साइड में जो है मैं कटिंग कर मैं पकड़ लूँगा इसको अच्छे से, मजबूती से पकड़ना है दोस्तों इसको चेक करने के लिए। देख सकते हैं मैंने अभी येलो वायर पे लगाऊंगा, देख सकते हैं मिक्सी जो है अच्छे से रन हो रही है। देख सकते हैं आप इसकी स्पीड को जो है आप और करिए, इसकी स्पीड को जो है साउंड को आपको पता चलेगा, ये पहला दूसरा या तीसरा आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि है ये स्लो में भाग रही है और स्पीड में भाग रही है जो मीडियम में भाग रही है, आपको सब कुछ इसमें इसकी स्पीड और से सुनने पर आपको पता चल जाएगा। देख सकते हैं मिक्सी जो है एकदम अच्छे से भाग रही है मोटर। अब जो हम इसको मिक्सी में फिट कर लेंगे